मैं हूं रहे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं तेनाली रामा के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। दोस्तों सब टीवी पर चल रहा सीरियल तेनाली रामा इन दिनों चल रहा है बेहद शानदार, क्योंकि इसमें रानी देवयानी आ चुकी है यानी रति पांड्या एंट्री ले चुकी है और कहीं ना कहीं पे तेनाली रामा के लिए परेशानियां थोड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि रामकृष्णा के लिए अब नई नई पहेलियां जो उसे सुलझानी पड़ रही है। और वहीं पे लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दोस्तों किस प्रकार से रामकृष्णा अपने आप को मदिरा पान करने से रोकता है, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि रामकृष्णा कितना ज्यादा सुलझा हुआ है और वह मदिरा पान नहीं करता और फिलहाल विवाह भी नहीं करना चाहता। लेकिन रानी जो राजकुमारी है वह उसकी परीक्षा लेती है, उसे मदिरा पान कराती है लेकिन वह नहीं करता। लेकिन रामकृष्णा के लिए मुसीबत दोस्तों जब बढ़ती है, तब महारानी जो कि विजयनगर की महारानी है वह राजा को ये बताती है कि रामकृष्णा ही वो शख्स है जिसने राजकुमारी का अपहरण किया है। तो ऐसे में दोस्तों सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। राजा को तो यकीन तक नहीं होता कि रामकृष्णा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि रामकृष्णा ने ऐसा किया भी नहीं था। तो ऐसे में दोस्तों इसी बीच में तथाचार्य भी हमेशा की तरह परेशान ही दिखाई देते हैं, लेकिन वे सारे मिलकर अब रामकृष्णा को ढूंढने लगते हैं और रामकृष्णा उतना अलग मुसीबतों से जूझ रहा होता है, क्योंकि राजकुमारी उनके लिए लाती है अलग अलग ऐसे टास्क जो कि वह कभी मदिरा पान देते हैं तो वह मदिरा पान करने से मना करता है, तो कभी पहेलियां सुझाती है, तो कभी कोई कविता सुनाती है। लेकिन जब रामकृष्णा वहां से क्रोधित होकर निकल जाता है तो अचानक से वहां पर लग जाती है आग और राजकुमारी उस आग में फंसी हुई होती है। खैर हम सभी को पता है कि राजकुमारी की एक साजिश थी रामकृष्णा की साहस को देखने के लिए, क्योंकि वे देखना चाहती थी, क्योंकि रामकृष्णा ने उन्हें पहले कहा था कि वे एकदम डरपोक है और किसी भी प्रकार का साहस दिखाने के लिए सामर्थ्य नहीं रखते हैं। लेकिन अग्नि में से बचा के और सांप से बचा के वे साबित कर देते हैं कि वे बुद्धिमान होने के साथ साथ काफी ज्यादा साहसी भी है और काफी ज्यादा हुनर भी रखते हैं। तो ऐसे में वो कहती है कि आप ये मेरे वर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। और वैसे में लेकिन उससे पहले जब वहां पे राजा महारानी और वहीं पे महामाते पहुंचते हैं, तथाचार्य वहां पर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि राजकुमारी दिव्यानी वहां पर पड़ी रहती है और वह सब आरोप लगाते हैं रामकृष्ण पर। लेकिन जब रामकृष्ण के ऊपर तलवार उठाई जाती है उसी समय रति पांडे यानी रानी दिव्यानी हमें देखने को मिलती है उनकी रक्षा करते हुए, और वह बताती है रामकृष्ण के बारे में कि ये केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि साहसी भी है और मेरे सच्चे वर के रूप में यही हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों आने वाले एपिसोड के लिए रामकृष्णा के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो राजकुमारी है उनके पिता उनसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि राजकुमारी का वर बने रामकृष्णा। तो ऐसे में अब उनके लिए एक और ऐसी पहेली आने वाली है रामकृष्णा के लिए आने वाले एपिसोड में, जो कि उसे हिला कर रख देगी, क्योंकि हमेशा वाली पहेली से भी मुश्किल होने वाली है। और वहीं पे दोस्तों इसके साथ बता दूं कि आने वाले एपिसोड में अब उनके विवाह के जो आमंत्रण है वो तक बढ़ चुके हैं और तेनाली जो कि हमारा रामकृष्ण है उसके हाथों में भी लगने वाला है उसका विवाह का आमंत्रण, और उसके बाद उसका चेहरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से होने वाला है। हम समझ सकते हैं कि दोस्तों जहां पर उसके हाथ में आमंत्रण लग चुका है और वहीं पर नई पहली उसके लिए सामने आ चुकी है, तो ऐसे में कितनी सारी मुसीबतें और आने वाली है उसके लिए। तो दोस्तों कॉमेडी का दोस्त चलता रहेगा सब टीवी पर तेनाली रामा के साथ। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है इसके आने वाले एपिसोड के लिए दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि तेनाली रामा से जुड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगले वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।